नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और कोरोना का डेली टेस्ट लेकर हम हाजिर हैं, जहां पर बात होगी कोरोना से जुड़ी हुई उन अच्छी खबरों की जो आपको इस लड़ाई में और ज्यादा मजबूती देंगी। मैं आपको दिखाऊंगी कोरोना की पॉजिटिव न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। इस शो में मैं आपको कोरोना से जुड़ी हुई नेगेटिव खबरें दिखाऊंगा, लेकिन शुरुआत हमेशा सकारात्मक सोच के साथ करनी चाहिए। तो आज की बड़ी खबर है कोरोना से जुड़ी हुई। दुनिया से जो अच्छी खबर आ रही है कि दुनिया के लिए मुसीबत का सबब बनने वाली कोरोना, अब वैक्सीन जो है उसका जल्द ही उसमें कोई ब्रेक थ्रू मिल सकता है। दुनिया के अलग हिस्से में वैक्सीन पर रिसर्च जो है वो चल रही है। हिंदुस्तान भी वैक्सीन के रिसर्च पर तेजी से काम कर रहा है। देश में 14 वैक्सीन का प्री क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के मुताबिक इनमें से 4 वैक्सीन ऐसी हैं जो जल्द क्लिनिकल ट्रायल के स्टेज पर पहुंच सकती हैं, जो कोरोना से लड़ने के लिए कारगर साबित हो सकती हैं। आइए आपको बताते हैं किस तरह से वैक्सीन, जिस पर पूरी दुनिया माथापच्ची कर रही है, पूरी दुनिया मिलकर इस पर काम कर रही है, वो कहां किस स्टेज में पहुंचा है। आपको बता दें कि 4 से 5 महीने में 4 वैक्सीन जो है डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया है कि अलग अलग स्टेज में पहुंच जाएंगी। श्रीराम इंस्टीट्यूट जो है उसकी वैक्सीन भी काफी एडवांस स्टेज में है। अमेरिकी कंपनियों के साथ मिलकर जो है वो वैक्सीन जो है वो बनाई जा रही है। 3 किस्म की वैक्सीन डेवलप करने पर फिलहाल काम चल रहा है। जायडस कैडिला की भी एक कंपनी है जो अभी प्री क्लिनिकल ट्रायल पर पहुंच चुकी है। और अगली खबर नेगेटिव खबर है, जहां रेलवे स्टेशन पर खाने के लिए लूट मच गई। प्रवासी मजदूरों को ले जा रही श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन जैसे ही इटारसी स्टेशन पर पहुंची, मुसाफिरों ने खाने को लेकर हंगामा कर दिया। नाश्ते के लिए आई ब्रेड को लूट लिया। इस दौरान वहां तैनात गार्ड ने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन यात्रियों ने उनकी एक नहीं सुनी और ट्रॉली पर खड़े ब्रेड के पैकेट्स रखे हुए पैकेट्स को उठाकर वो भाग गए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर ब्रेड की लूट हो गई, लेकिन 23 मई को दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पर भी लूट की खबर आई थी। हम आपको दिखाते हैं कि एक एक कर कैसे ये लूट की खबर आई। 23 मई को दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर लूट की खबर आई, 23 मई को ही कानपुर स्टेशन पर भी खाने की लूट की खबर आई, और इसके बाद 22 मई को दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी खाने पीने की लूट की जानकारी मिली। चलिए, सबके बीच में अच्छी खबर आ रही है ईद से जुड़ी हुई। ईद का त्यौहार सोशल डिस्टेंसिंग के तमाम नियमों के साथ मनाया गया। जी हाँ, आपको बताएं कि काजियों की अपील के बाद रोजेदारों ने घर में ही ईद की नमाज अदा की। 4 से 5 लोगों ने परंपरा निभाई। नमाज के बाद कोरोना महामारी से बचाने और देश में अमन भाईचारे की दुआ मांगी गई। ईद के मौके पर लोग लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं करें, इसलिए पुलिस प्रशासन ने भी इंतजाम किए थे, लेकिन लोगों ने भी खुद अच्छा संयम दिखाया। आप सब तो हमारी तरफ ही ईद मुबारक। पूरी ईद के दिन सलाम अलैकुम। पूरी ईद के दिन कोरोना वायरस से अपन तो बचते नहीं। सारी ईद अपन तो अच्छे से मनाना है। अब एक नेगेटिव खबर हरियाणा के सोनीपत से। एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना संक्रमण के चलते लोगों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने की सलाह दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हरियाणा के सोनीपत में क्रिकेट खेलने के लिए पहुंच गए। मनोज तिवारी का ये वीडियो वायरल होने लगा, जिसमें उनकी लोग खूब आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि मनोज तिवारी ने ना ही मास्क लगाया था, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया था। तो नेता जिम्मेदार नहीं है, लेकिन हमारे पुलिसकर्मी जो हैं वो हमारी सुरक्षा और लॉकडाउन को पालन कराने के साथ साथ तमाम जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। दरियादिली की मिसाल भी दिखा रहे हैं। मेरठ में 3 साल की बच्चे के जन्मदिन के मौके पर पुलिस के अधिकारी और जवान केक लेकर उसके घर पहुंचे। लॉकडाउन में उसके जन्मदिन का जश्न जो है फीका ना रह जाए, इसके लिए पुलिस वालों ने एक अनूठी पहल की। परिवार वालों ने पुलिस वालों से बच्चे के जन्मदिन पर केक पहुंचाने के लिए मदद मांगी और पुलिस ने भी ये कर दिखाया ताकि सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन भी हो और बच्चे का जन्मदिन भी धूमधाम से मनाए। वो केक लेके आए यहाँ पर, हमें बड़ा अच्छा लगा, तो उन्होंने बोला कि हम केक लेके आपके निवास पर आएंगे और 6 बजे का उन्होंने टाइम रखा कि वहीं पे ही हम आपका केक काटेंगे और आपकी बेटी से मिलेंगे। और हमें बड़ा अच्छा लगा कि सब लोग आए और उन्होंने इस तरीके और बड़ा अच्छा सेलिब्रेट किया। अगली नेगेटिव खबर यूपी के औरैया से है, जहां पर ईद के मौके पर लोगों से घर में ही नमाज पढ़ने के लिए कहा गया, लेकिन यूपी के औरैया में लोगों ने ईद के मौके पर लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी। औरैया के अजीत मल कोतवाली क्षेत्र में एक मस्जिद में 35 लोग इकट्ठा होकर नमाज पढ़ रहे थे। सूचना मिलने पर पुलिस ने घेराबंदी करके 26 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 8 लोग भागने में कामयाब रहे। मस्जिद पे लगभग 30-35 आदमी इकट्ठा थे, जिसमें 28 आदमी को पकड़ के लाया गया,
सात आठ आदमी, तो उसी तरह मौका निकाल करके वहाँ खड़े हुए। 2800 आदमी खिलाफ कार्रवाई, वैधानिक कार्रवाई चल रही है। आइए आपको बताते हैं, दिखाते हैं कि किस तरीके से लॉकडाउन तोड़ने पर लोगों पर कार्रवाई की गई। औरैया में 26 लोगों पर केस दर्ज किया गया, 26 लोगों के खिलाफ मामला बना। इसके अलावा धारा 188 लॉकडाउन उल्लंघन और अन्य धाराओं के तहत इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मस्जिद में इकट्ठा होकर ये नमाज पढ़ रहे थे, इसके बाद ही इनके खिलाफ एक्शन लिया गया। चलिए, आज अच्छी खबर ये हुई कि कोरोना के साथ साथ जिंदगी भी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है, पटरी पर लौट रही है। आज से उड़ान सेवाएं जो हैं एक बार फिर से बहाल हुई हैं, हालांकि अभी पार्शियली उनको शुरू किया गया है। हवाई सेवा की शुरुआत 4 दिन बाद हुई, मुसाफिर काफी उत्साहित नजर आए। तो इस दौरान फ्लाइट में बैठने से पहले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग हुई, सभी मुसाफिरों को एयरलाइन की तरफ से फेस कवर मास्क दिए गए, शील्ड दिया गया जिसको पहनकर वो एयरक्राफ्ट में बैठे। साथ ही फ्लाइट अटेंडेंट ने तो बाकायदा पीपी किट पहना हुआ था। पूरा एयरपोर्ट अथॉरिटी का बहुत अच्छा इंतजाम था, अरेंजमेंट सब अच्छा रहा। यहाँ पे किसी टाइप का इशू नहीं हुआ, सब कुछ कायदे से सही हुआ, ऐसा ही होना चाहिए था पहले भी। मेरे लिए सौभाग्य है कि आज का दिन जो है 25, आज जो है ईद है, और ईद के दिन हम अपने बिहार आ गए, अपने मुल्क, अपने परिवार के साथ अभी हम जाके ईद करेंगे। लोगों को तसली हुई कि हवाई सेवा जो है वक्त रहते शुरू हुई, त्यौहार के मौके पर अपनों के साथ पहुंच सके, लेकिन कुछ गाइडलाइंस जो हैं से ट्रैवल के लिए जारी की गई है, उसके बारे में भी आपको जानकारी बता दूं। एयरपोर्ट से उतरने के बाद खुद को सैनिटाइज करना होगा, यानी कि आप अगर बस से विमान तक पहुंचते हैं जहां पर वो टैक्सी है, तो वहां पर आपको खुद को सैनिटाइज करना होगा। यात्रियों को चेहरे पर मास्क और शील्ड जो है वो लगानी होगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, हालांकि तमाम सीटें जो हैं ऑक्यूपाइड रहेंगी, लेकिन उसके बावजूद भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। एयरपोर्ट पर बने सर्कल और बैरियर का ध्यान रखना होगा। मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना बहुत जरूरी है। अगली नेगेटिव खबर भी देश में उड़ान सेवा के बहाल होने से जुड़ी हुई है। फ्लाइट से अपनी मंजिल तक पहुंचने की उम्मीद लगाए कुछ लोगों को फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से काफी मायूसी हुई। कई यात्रियों को एयरपोर्ट पहुंचने के बाद ही फ्लाइट कैंसिल होने की जानकारी मिली, इससे यात्रियों को काफी परेशानी हुई। सबसे ज्यादा मुश्किलें बुजुर्गों और महिलाओं को उठानी पड़ी। हम लोग दिल्ली जा रहे थे, सुबह 11 बजे की फ्लाइट थी, यहाँ के पता चला है कि कैंसिल हो गई है। उसके पहले कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली? नहीं, फिर इतना दूर आते क्यों इफ वी हैड द इन्फॉर्मेशन। कहाँ से आप आ रही हैं? ये भी जान लीजिए कि कहां पर क्या कुछ हुआ, एयरपोर्ट पर कितनी उड़ानें रद्द हुई, कौन से एयरपोर्ट पर। देखिए, सबसे पहले दिल्ली में दिल्ली एयरपोर्ट से 20 उड़ानें रद्द कर दी गई। इसके अलावा कई उड़ानें जो हैं वो कुछ घंटे लेट, 10 से 12 घंटे लेट चली, यानी कि लोग बैठे रहे, परेशान होते रहे। कम यात्रियों वाली जो फ्लाइट थी उनको भी रोक दिया गया, बेंगलुरु हैदराबाद फ्लाइट बिना नोटिस के ही रद्द कर दिया गया, इसलिए मुसाफिर परेशान रहे। मुसाफिर ने लगाया बद इंतजामी का आरोप और उन्होंने कहा कि घंटों बैठना पड़ा हमें एयरपोर्ट पर। लेकिन इस सब के बीच मुसाफिर जो है वो खुद काफी एजुकेटिव हो गए हैं, ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि अल्टीमेटली मुसाफिर हो या फिर एक आम आदमी हो, उसे खुद ही कोरोना से जंग लड़नी होगी। और ऐसे में वो इतने जागरूक हो गए कि एयरपोर्ट पर कोरोना को लेकर इतनी सजगता दिखी कि वो पीपी किट पहनकर आ गए। जी हाँ, जरा देखिए कि मुसाफिर जो है पूरा खुद को कवर करके आ गए। जाहिर सी बात है, कोरोना को लेकर जितना डर फैला हुआ है, तो ऐसे में उन्होंने कोई कोताही नहीं बरती, मास्क से भी ज्यादा बढ़कर उन्होंने कहा कि वो तो पीपी किट पहनकर ही सफर करेंगे। जी सर, देखिए ट्रैवल करना था, जॉब के लिए जाना है, तो हम सोचे कि पूरा पीपी किट पहन के जाएं, और उसके लिए हमने सब कुछ अरेंज किया, और ताकि संक्रमण दूसरे को भी ना फैले और मुझे तो खास तौर से। और अब एक नेगेटिव खबर आई है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। दरअसल कोरोना वैक्सीन का इंतजार कर रहे लोगों को एक और झटका लगा है। कैसे? वैक्सीन का बंदरों पर ट्रायल असफल रहा था, और अब वैक्सीन के प्रोजेक्ट हेड एडवियन हिल के मुताबिक इस वैक्सीन का ट्रायल 1000 इंसानों पर किया जाएगा, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि ट्रायल में इसके सफल होने की दर 50% ही रह गई है। और आइए आपको बताते हैं कि क्या कुछ हो रहा है वैक्सीन को लेकर। देखिए, सबसे पहले जो ट्रायल हुआ वो विफल रहा चूहों पर, लेकिन वैक्सीन चेडियोक्स X1 का ट्रायल बंदरों पर असफल रहा है, ये जानकारी दी गई है। इसके अलावा 1000 इंसानों पर इसका ट्रायल किया जाएगा, लेकिन
वो सफल होने का जो प्रतिशत है वो कितना रहेगा, इसके बारे में भी जानकारी दी गई है। दूसरे ट्रायल में 10,260 बच्चे और बड़े शामिल होंगे, ये भी जानकारी दी गई है। और तीसरा निर्णायक चरण होगा और इसके बाद ही पता चल पाएगा कि वैक्सीन कामयाब है या नहीं है। लेकिन इस सब के बीच में विद्या, एक अच्छी खबर आ रही है कि हमने कोरोना के लिए लड़ाई के लिए, क्योंकि जो डेथ रेट है वो काफी कम है, तो ऐसे में हमें सिर्फ और सिर्फ अच्छे अस्पताल चाहिए और जिसकी संख्या हम लगातार बढ़ा रहे हैं। महाराष्ट्र जो कोरोना हब बना हुआ है, वहां पर कोरोना से निपटने के लिए मुंबई में रेसकोर्स और NSC ग्राउंड और BKC में ओपन हॉस्पिटल की व्यवस्था की गई है। देश के सबसे बड़े ओपन अस्पताल के तौर पर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित अस्पताल को BMC को सौंपा गया, जहां कोरोना के मरीजों का इलाज किया जाएगा। मुंबई के अलग अलग जगहों पर ओपन हॉस्पिटल की शुरुआत की जा रही है और इसी के चलते महाराष्ट्र सरकार ने केरल सरकार से मदद मांगी है, जिसके तहत डॉक्टर और ट्रेन स्टाफ की मांग की गई है। यही वजह है कि महाराष्ट्र में मेडिकल स्टाफ की कमी हो गई है, जिसके चलते अब केरल से मदद की गुहार महाराष्ट्र सरकार ने लगाया है। अगली नेगेटिव खबर देश की राजधानी दिल्ली से है। यहां कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं, तो अब ये स्वास्थ्य मंत्रालय के दफ्तर तक पहुंच गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के दफ्तर में एक शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। मामला सामने आने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि शख्स पहले से ही बीमार था और करीब पिछले 10 दिन से हाउस क्वारंटीन था। उसकी रिपोर्ट आने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया और उसके संपर्क में आए लोगों की ट्रेसिंग भी शुरू कर दी गई है। लेकिन इसके अलावा जो अहम जानकारी है वो भी आपके लिए जरूरी है कि अभी तक दिल्ली में कितने मामले हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में अब तक 13,418 केस कुल मिलाकर सामने आ चुके हैं। मरने वालों की संख्या 261 हो चुकी है और 24 घंटे की सिर्फ अगर बात कर लें तो 508 केस सामने आ चुके हैं। लेकिन इस सबके बीच में एक अच्छी खबर विदेश की राजधानी दिल्ली से आ रही है विद्या। यहां पर कोरोना के रिकॉर्ड के सामने आने के बाद दिल्ली सरकार ने एक आदेश जारी किया है। दिल्ली सरकार ने निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम्स को COVID-19 के मरीजों के लिए 50 बेड या अस्पताल के कुल जो बेड हैं उनका 20% से अधिक रिजर्व करने के निर्देश दिए हैं। माना जा रहा है कि इससे कोरोना के मरीजों को इलाज के लिए बेहतर सुविधाएं जो हैं वो मिल सकेंगी। और दरअसल आपको बता दें कि लॉकडाउन में ढील के बाद से जिस तरह से कहा जा रहा है कि नंबर जो हैं वो बढ़ेंगे, तो उसके लिए एक प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर यह कदम उठाया जा रहा है कि सरकारी अस्पताल के साथ साथ ये कदम जो है उठाया जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि किस तरह से कुल मिलाकर कितने अस्पताल जो हैं, कितनी फायदा जो है वो यहाँ पर मिलने वाला है दिल्ली सरकार की ओर से। मरीजों के सरकारी अस्पताल जो है फुल हो चुके हैं। कुल अस्पताल 14 हैं, दिल्ली सरकार के 3 हैं, केंद्र सरकार के 4 हैं और निजी 8 हैं। COVID-19 मरीजों के लिए सरकारी अस्पताल लगभग फुल कैपेसिटी में है और लॉकडाउन में ढिलाई देने के बाद मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। रोज 500 से ज्यादा मरीज आ रहे हैं, तो ऐसे में और ज्यादा बेड और ज्यादा अस्पताल की जरूरत थी। तो दिल्ली सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया है जिसमें कहा गया है कि आप जो है अपने अस्पताल, अगर आपका 50 बेड से ज्यादा का अस्पताल है या फिर नर्सिंग होम है, तो आपको उसके 20% से ज्यादा बेड जो है वो रिजर्व रखने होंगे COVID-19 के पेशेंट्स के लिए। अब मध्य प्रदेश के शिवपुरी से एक नेगेटिव खबर आ रही है। पूरा देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन शिवपुरी में पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा है जो कार में एसेंशियल सर्विस का स्टिकर लगाकर तस्करी कर रहे थे, वो भी स्मैक की। गाड़ी पर कोरोना राहत वाहन लिखा हुआ था और इसमें स्मैक की तस्करी की जा रही थी। पुलिस ने कार से 8 लाख रुपए की स्मैक भी बरामद कर ली है। बताया जा रहा है कि नशे की यह खेप राजस्थान से शिवपुरी लाई जा रही थी। थाना तेंदुआ पुलिस को एक सूचना मिली जिसमें ये एक कार से राजस्थान तरफ से स्मैक ला रहे हैं, पता लगा। तो घेराबंदी करके इनको पकड़ा गया। तो इनकी कार जो स्विफ्ट डिजायर थी उसमें और इनके पास से 80 ग्राम करीबन स्मैक मिला है। और अगली पॉजिटिव खबर आपके लिए हम लाए हैं कानपुर से। यूपी के कानपुर में कोरोना से ज्यादातर मरीज जानलेवा वायरस बीमारी को मात देने में कामयाब हो रहे हैं। उद्योग नगरी में अब तक कुल संक्रमितों में से 89.25% ठीक हो रहे हैं, यानी कि अमेजिंग रिकवरी रेट है यहाँ पे लगभग 90% का। और ये रफ्तार देशभर के बाकी शहरों के मुकाबले काफी ज्यादा है। तो कानपुर में संक्रमण हो रहा है लेकिन रिकवरी भी बहुत अच्छी है। आइए आपको कुछ आंकड़े जो हैं वो मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ कि कितने लोग आए हैं। कुल मरीज आए हैं 335, यानी कानपुर में कुल 335 मरीज हैं, जिनमें से 299 रिकवर हो गए, यानी कि लगभग 90%, और सिर्फ 12 लोगों की मौत हुई है। तो देश के मुकाबले रिकवरी रेट बेहद अच्छा, लेकिन मौत का आंकड़ा थोड़ा सा ज्यादा।
अगली नेगेटिव खबर कोरोना से जुड़ी एक रिसर्च से है। आईसीएमआर की रिसर्च में यह बात सामने आई है कि कोरोना वायरस क्लोज कॉन्टेक्ट्स को ज्यादा निशाने पर लेता है। आईसीएमआर ने यह रिसर्च उन 23 इटालियन सैलानियों पर किया है जो मार्च के महीने में हिंदुस्तान आए थे। इन सैलानियों में तेजी से संक्रमण फैला था। और किस तरीके से ये रिसर्च किया गया है और उससे जो रिजल्ट सामने आया है वो क्या बता रहे हैं वो जरा देख लेते हैं। देखिए, इटली के सैलानियों में 65.4% तेजी से ये वायरस फैला क्योंकि ये सभी एक साथ आए थे, बहुत क्लोज कांटेक्ट में थे। डायमंड प्रिंसेस क्रूज शिप पर वायरस फैलने की जो दर थी वो 19.2% थी। ग्रैंड प्रिंसेस क्रूज शिप पर 16.5% की तेजी से ये वायरस फैला था। तो बहुत तेजी से क्लोज कॉन्टेक्ट में रहने की वजह से ये वायरस फैलता है। लेकिन इस सबके बीच में एक अच्छी खबर आ रही है जापान से, जहां पर आज से इमरजेंसी पूरी तरह से हटा दी गई है। इससे पहले भी जापान में ना तो लॉकडाउन था ना आवाजाही पर सख्त पाबंदी थी, यहां तक कि रेस्टोरेंट सलून भी खुले हुए थे। जापान ने कोरोना संक्रमितों की बड़ी संख्या में टेस्ट भी नहीं किए थे, फिर भी जापान कोरोना की रफ्तार थामने में कामयाब रहा और जापान में केवल 808 मौतें हुई हैं और सबसे जल्दी रिकवर कर पाने में कामयाब रहा है जापान। तो आइए आपको भी बताते हैं कि जापान आखिर क्या रामबाण था जापान के पास जिससे उसने बेदम किया कोरोना को, इसकी रफ्तार को थामा। 50% आपको मैं यहाँ जानकारी दे दूँ, जापान में 50,000 से ज्यादा प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी मौजूद हैं और 2 साल पहले ही बीमारियों के लिए ट्रेंड किए गए थे, यानी कि पहले से ही उनके पास इतना अच्छा मेडिकल स्टाफ और सुविधाएं मौजूद थी। दरअसल 2018 में इन्फ्लुएंजा और टीबी के लिए विशेष तौर पर इन स्टाफ को प्रशिक्षित किया गया था। जापान में सिर्फ 0.2% लोगों का ही टेस्ट किया गया, उन्हें भरोसा था अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर, इम्यूनिटी सिस्टम पर और उससे जापान सबसे पहले कोरोना फ्री लगभग हो गया है। अब कोरोना से जुड़ी नेगेटिव खबर आई है अमेरिका से। दरअसल अमेरिका में लॉकडाउन को खोल दिया गया जिसकी वजह से जोखिम और भी बढ़ गया। खबरों के मुताबिक अमेरिका के मिसौरी में एक संक्रमित सैलून वर्कर से 91 लोगों में कोरोना फैल गया। बताया जा रहा है कि 91 लोगों में से 84 कस्टमर हैं जबकि 7 सैलून वर्कर हैं। जाहिर है एक शख्स ने 91 लोगों को संक्रमित कर दिया, अगर ऐसा ही होता रहा तो अमेरिका की हालत खस्ता हो जाएगी। लॉकडाउन खुलते ही अमेरिका की मुश्किल और बढ़ गई है। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं, आंकड़ों के जरिए बताते हैं कि अमेरिका की मुश्किल किस तरीके से बढ़ी हुई है। देखिए, सिर्फ मिसौरी की बात अगर कर ले तो यहां पर 4 मई से सैलून खुल गए थे और इसके बाद ये मामला सामने आया। मिसौरी में कोरोना के अब तक 11,752 मामले सामने आ चुके हैं जो बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। मिसौरी में कोरोना से 676 केस सामने आए, मौत हुई, माफ कीजिए। मिसौरी के गवर्नर रिपब्लिकन पार्टी के नेता माइक पार्सन हैं और बताया जा रहा है कि यहां पर लॉकडाउन के बाद से परेशानी और बढ़ गई है। चलिए, एक अच्छी खबर आ रही है कोरोना वायरस के संक्रमण के इलाज पर। एक खबर ब्रिटेन से आई है। ब्रिटेन की एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी ने कहा है कि अगर आप गार्गल करते हैं सलाइन वाटर के, यानी कि नमक के पानी के गरारे करते हैं, तो आपको मदद मिलेगी। कोरोना संक्रमित है तो नमक के पानी से गरारे करने पर आपको राहत मिलेगी। शोधकर्ताओं के मुताबिक नमक के पानी से गरारे करने पर संक्रमण के लक्षणों को कम करने के साथ साथ बीमारी की अवधि भी घटाई जा सकती है। इससे पहले भी आपको बता दें कि इस तरह के देसी नुस्खे जो हैं वो लगातार हिंदुस्तानियों को कहे जा रहे हैं कि अपनाएं। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे 66 मरीजों पर ये रिसर्च जो है वो की गई थी, उसके बाद ये नतीजे पर पहुंचे हैं। मरीजों के नाक और गले में कोरोना का संक्रमण था, इलाज के साथ नमक के पानी के गरारे कराए गए, यानी कि जो इलाज का प्रोटोकॉल होता है उसमें उसको शामिल किया गया। दिन में 3 से 4 बार गरारे कराए गए, औसतन 2.5 दिन में संक्रमण घटने लगा, तो एक अच्छी कामयाबी मिली। आप भी अपनाइए इस टिप को। हम आपको दिखाते हैं कोरोना से जुड़ी एक बड़ी नेगेटिव खबर। ये खबर दुनिया में कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण से जुड़ी हुई है। तमाम कोशिशों के बाद भी कोविड-19 पर काबू पाने की कोशिशें नाकाम हो रही हैं, जिसकी वजह से दुनिया इस जानलेवा वायरस से खौफ में है और लोग खौफ से कांप रहे हैं। हिंदुस्तान से लेकर पूरी दुनिया में कोरोना कैसे कोहराम मचा रहा है ये भी आपको बताते हैं आंकड़ों के जरिए। देखिए किस तरीके से पूरी दुनिया भर में कोरोना से कोहराम मचा हुआ है। दुनिया भर में करीब 55 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। जी हां, पूरी दुनिया की अगर बात करें, दुनिया में करीब 3,50,000 मौतें हो चुकी हैं और इसके अलावा अगर दुनिया के आंकड़ों को देखें तो सिर्फ हिंदुस्तान की अगर बात करें तो हिंदुस्तान में कोरोना से 1,38,000 से ज्यादा अभी तक मामले सामने आ चुके हैं और भारत में अब तक 4,000 से ज्यादा लोगों की इसकी वजह से मौत भी हो चुकी है। लेकिन इस सबके बीच में दुनिया भर से जो अच्छी खबर आ रही है वो ये कि कोरोना जो है वो उसमें 1 से 2% लोग ही हैं जिनको मौत के मुंह में जाना पड़ता है। इससे रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। रिकवरी रेट के बारे में भी आपको जानकारी दे दूं, इस बीमारी से दुनिया भर के लोग जो हैं वो जीत रहे हैं, खासतौर से वो लोग जो शारीरिक तौर पर स्वस्थ हैं, जिन्हें
टीबी शुगर या फिर हाइपरटेंशन जैसी कोई बीमारी नहीं है। पूरी दुनिया में कोरोना सर्वाइवर्स की तादाद लाखों में है। जहां मामले ज्यादा हैं मौत के, वहां पर या तो व्यक्ति जो है पहले से किसी और बीमारी से संक्रमित था या फिर उसकी उम्र ज्यादा थी। आइए आपको जानकारी दे दूं कि किस तरह से दुनिया ने कोरोना से जंग जो है वो जीती है। 23 लाख से ज्यादा लोग जो हैं कोरोना की इस जंग को जीतने में कामयाब रहे हैं, यानी कि जितने लोग इन्फेक्टेड हुए हैं 40 लाख से ज्यादा, उसमें से अधिकतर ने इस जंग को अब तक जीत लिया और कुछ जीतने के कगार पर है। स्पेन में करीब 2 लाख लोगों ने कोरोना को शिकस्त दी है। इसके साथ भारत में करीब 58,000 लोग जो हैं कोरोना को मात दे चुके हैं। हिंदुस्तान में भी रिकवरी रेट 40% तक है और कुछ लोग अभी भी रिकवर होने की कगार पर हैं। चलिए चलते चलते एक तस्वीर अमेरिका के न्यूयॉर्क से दिखाते हैं, जहां पाक खुल गए, यानी कि जिंदगी फिर से पटरी पर लौट रही है। जबकि न्यूयॉर्क वो शहर है जहां सबसे ज्यादा कोरोना का संक्रमण फैला और सबसे ज्यादा लोगों की जान गई। वहां भी चहल पहल बढ़ गई है, लेकिन यहां सतर्कता बढ़ती जा रही है। आप देखिए लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, एक अच्छी खबर है मिसौरी में, जहां पर लोग जो है तमाम नियम कायदे कानून तोड़ते हुए नजर आ रहे थे। वहां पर न्यूयॉर्क में पाक में लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। चलिए तो ये थी कोरोना की वो पॉजिटिव खबरें जिनको देखकर आप भी इस लड़ाई से लड़ने के लिए तैयार रहें, क्योंकि बीमारी किसी को भी हो सकती है पर जान नहीं लेगी। सुरक्षित रहें, सावधान रहें, क्योंकि सावधानी आपको इस बीमारी से बचा सकती है। नियमों का पालन करें, सरकार की तरफ से जो नियम और निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करना जरूरी है, क्योंकि ये आपके जीवन का सवाल है, आपकी जान का सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस बुलेटिन में इतना ही आज, लेकिन कल फिर से पुनः हाजिर होंगे हम तमाम पॉजिटिव और नेगेटिव खबरें लेकर आपके लिए।